हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। तो चलिए प्रश्न एक देखते हैं। बालक सांवेगिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है, ए नंबर रोकर, बी नंबर हंसकर, सी नंबर रोकर एवं हंसकर दोनों द्वारा, डी नंबर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो जो आपका सी नंबर होगा वो बिल्कुल सही होगा, रोकर एवं हंसकर दोनों द्वारा। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। इसके बाद प्रश्न दो देखते हैं। बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषा से अनुकरण या अकल के माध्यम से सीखता है। भाषा विकास के संदर्भ में यह कथन है, ए नंबर बेंडुला का, बी नंबर सरली का, सी नंबर चोमस्की का, डी नंबर पियाजे का। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर बेंडुला का, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों आप भी अपने विचार जो है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी आंसर लिखिए, जिससे हम जान सकें कि आप लोग कितना संविदा वर्ग तीन की तैयारी कर चुके हैं। इसके बाद प्रश्न तीन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा दोष से संबंधित नहीं है, ए नंबर स्पष्ट उच्चारण, बी नंबर हकलाना, सी नंबर तुतलाना, डी नंबर ध्वनि परिवर्तन। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर स्पष्ट उच्चारण, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न चार देखते हैं। बच्चे संसार का आंतरिक निरूपण चिंतन के माध्यम से ही करते हैं, चिंतन के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, ए नंबर पियाजे, बी नंबर चोमस्की, सी नंबर सरली, डी नंबर वाइगोत्स्की। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर पियाजे, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न पाँच देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ए नंबर सृजनात्मक चिंतन सोचने की एक नवीनतम तकनीक है, बी नंबर यह चिंतन खोज आविष्कार एवं मौलिकता को जन्म देती है, सी नंबर सृजनात्मक चिंतन को अभिसारी चिंतन भी कहा जाता है, डी नंबर यह चिंतन किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अचानक ही सृजित होता है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो जो प्रश्न पाँच का आंसर होगा वो होगा सी नंबर, सृजनात्मक चिंतन को अभिसारी चिंतन भी कहा जाता है, क्योंकि जो आपका ए नंबर और बी नंबर डी नंबर है तो वो सत्य कथन है, जो सी नंबर है यही आपका असत्य है, तो इसलिए इस प्रश्न में ये सत्य माना जाएगा। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला देखते हैं। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है, ए नंबर पूर्व प्राथमिक कक्षा को, बी नंबर प्लेवे विद्यालय को, सी नंबर घर को, डी नंबर उपरोक्त सभी। तो भाषा शिक्षण मतलब जहाँ भाषा सिखाई जाती है बच्चे को, तो सबसे पहले बच्चा घर में ही भाषा को सीखता है, अपने परिवार से और अपने आसपास के पड़ोसियों से, समाज से। तो इसलिए जो आपका सी नंबर होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो घर को ये आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। इसके बाद प्रश्न सात देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, ए नंबर एक भाषा, बी नंबर द्विभाषा, सी नंबर तीन भाषा, डी नंबर बहुभाषा। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर बहुभाषा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न आठ देखते हैं। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ए नंबर दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए, बी नंबर आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, सी नंबर अच्छा उसके दादाजी आए हैं यहाँ सॉरी दादाजी के आए लिखा है, यहाँ दादाजी आए हैं ऐसा होना चाहिए, डी नंबर है बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे। तो जो एक शिक्षक प्रतिक्रिया देगा तो वो यह प्रतिक्रिया देगा कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं, तो जो सी नंबर होगा वो बिल्कुल सही माना जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है इसमें। इसके बाद प्रश्न नौ देखते हैं। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है, ए नंबर ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, बी नंबर सही सही धारा प्रवाह बोलना, सी नंबर जानना समझना व लिखना, डी नंबर व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो
तो जो आपका सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही होगा, जानना समझना व लिखना ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 10। दोस्तों हम आपको वर्ग 3 संविदा की जो है तो पूरी तैयारी कराएंगे, इसमें सभी सब्जेक्ट जो है तो इसी चैनल के माध्यम से आप लोग देख पाएंगे, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन का वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? ए नंबर वारेन, बी नंबर रॉस, सी नंबर वेलेंटाइन, डी नंबर स्किनर। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर रॉस।